वैसे मेरा भी सिक्स सेंस कह रहा है कि बाबा इस बात पे नहीं मानेंगे। तुम और तुम्हारी सेंस, रहने दो ना बस। आपने उससे कहा था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। देखो मैंने उससे क्या बात की, क्या कहा, ये सारा कुछ तुम मेहरमा से पूछ लो, ठीक है? आ जाइए जरा, आज हम सबको अजियत में डाल के खुद जॉब पर चली गई। हेलो शांजा, हाउ आर यू? आबिस वो, हाँ कहो क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली मुझे ना तुमसे सॉरी बोलना था। किस बात के लिए? नहीं वो मेरी मसूद अंकल से बात हो रही थी और बातों बातों में What? अब बताएंगे तुम्हें मसूद अंकल, बड़ी आई थी हीर का साइड लेने वाली। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? शांजे का फोन था, बता रही थी कि बाबा से बात हुई थी और बातों बातों में उसने ये बता दिया कि आपने मेहरमा के लिए लड़का पसंद किया। क्या? आए हाय, क्या होगा? इब्राहिम बेटा ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, सब पागल है ये लोग। तो बेटा रोक लो इन लोगों को, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमने उनकी बात मानकर उनके हक में फैसला कर दिया तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। नौरीन तुम शहर चले जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। बेटा ये शहर जाकर क्या करेगी? यहाँ पर रहेगी तो ये लोग इसे रहने नहीं देंगे। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हैं ये लोग, खटिया लोग हैं। और इस पर कोई उंगली उठाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये पागल हो जाएगी, इसके साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है उसके साथ। मैं एक फैसला करने जा रहा हूं, दुआ करें वो फैसला ठीक हो। उससे मेरे बारे में पूछा था? पूछा था उस दिन जब आपको पहली बार देखा था उसके साथ, मगर वो काफी अपसेट था।
इसलिए फोर्स नहीं किया। मैं उसकी खाला। सगी खाला? क्यों, मैं उसकी खाला नहीं हो सकती? मगर उसने तो हमेशा यही कहा है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं। ठीक कहता है वो, एक मैं ही थी और मैं भी उसे उसके बचपन में छोड़ के चली गई। लेकिन क्यों? मेरी मजबूरी थी, मेरा निकाह हो चुका था, वीजा प्रोसेस में था और उन दिनों मेरे बहन और बहन भाई का एक्सीडेंट हो गया, ये छोटा था, और मेरे शौहर से बाहर जाने पे तैयार ही नहीं हुए। मजबूरन मुझे इसे दारुल अमान में डालना पड़ा। फिर उसके बाद आपने कभी कोशिश भी नहीं की उसको वापस ले जाने की? बहुत बार कोशिश की, मगर मैं खुद अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई। मगर ऐसा नहीं था कि मैंने इसको याद नहीं किया, मैंने इसे हर वक्त याद किया। यानी उसकी नाराजगी बेवजह नहीं है। खैर, अब आप क्या चाह रही हैं? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मेरे ख्याल में तुम वाहिद लड़की हो जो उसके बहुत नजदीक हो। तुम उससे बात करो, उसको कहो कि मुझे माफ कर दे। वो बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है। तुम कोशिश तो करो, मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। क्यों अपने आप को रो रो के हलकान कर रही है? सब ठीक हो जाएगा, इब्राहिम है ना, सब ठीक कर देगा वो। मुझे नहीं लगता अब कुछ ठीक नहीं होगा आपका पप्पी। अगर ठीक हो नहीं होता तो अम्मा ना मरती। मुझे सब ठीक से समझ आ रहा है, क्या यतीम होने का मतलब क्या होता है? हाँ मेरी बच्ची, चुप हो जा। तो ये औकात है मेरी इस घर में? हम आपको बताने ही वाले थे। बताने वाले थे क्या मतलब? मुझसे पूछना चाहिए था तुम्हें। आप यहां नहीं थे ना? हाँ यहां नहीं था, दुनिया से नहीं चला गया था मैं, जो मुझसे पूछ नहीं सकती थी तुम। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बीमार था, जैसा भी था, अब भी तो उसके एक फोन पर पहली फ्लाइट पकड़कर आ गया ना मैं। अरे अभी सिर्फ लड़का ही तो देखा है हमने, कौन सी उसकी शादी कर दी है, और वैसे भी वो महरमा की पसंद है। महरमा बच्ची है, वो लड़का जैसा भी हो, मैं उसे अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या इसलिए कि हमने उसे पसंद किया? आपसे बात नहीं कर रहा मैं, गेती तुमसे कह रहा हूं मैं, ये हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन मसूद एक बार तो, अरे बाबा आप कब आए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा वो कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? अरे प्यार करती है तभी तो सबसे पहले तुम्हें बताना चाह रही थी वो। आप थोड़ी देर के लिए आप खामोश रह सकती हैं? बोलो कितना प्यार करती हो मुझसे?
बहुत ज्यादा बाबा, सबसे ज्यादा। तो बस आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगे। और जहां मैं चाहूंगा वहीं शादी करोगी तुम। तुम्हें और क्या करती? अंकल ने मुझे अचानक पूछा कि मैं वहां गई थी और फिर मेहरमा के बारे में पूछा। पता नहीं मैं किस फ्रेम ऑफ माइंड में थी कि ख्याल में नहीं आया मेरे। You actually screwed everything. बहुत गुस्से में है वो। कुछ कह रहे थे क्या? I don't know. मैं तो उनके सामने जाऊंगा भी नहीं। अब क्या होगा? तुम बोलो तो मैं अंकल से बात करूं? No please. दादू will handle this. तुम बस नेक्स्ट फोटोशूट के लिए तैयार रहना और ज्यादा फिक्र नहीं करो। जो हो गया सो हो गया। ओके बाय बाय। बोलते भी नहीं ना हो किसी से। मुझे तो बड़ी गिल्टी फीलिंग हो रही है। गिल्टी? अरे शर्मिंदगी को कहते हैं गिल्टी। शर्मिंदगी तो शांति को होनी चाहिए, उसने बताया ना उन्हें सब कुछ। अरे भाई जो होना था सो हो गया। पर आए तो वो मेरी वजह से है ना। बीजान आप उनसे बात करके देखिए ना, आपकी बात तो वो मानते हैं। तबीयत भी उनकी इतनी खराब है। चलो ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, जब मैं तुम्हें बुलाऊं उस वक्त अंदर आना। एक मिनट एक मिनट। अब जाए। चलो भाई। मैं आई कमी? अरे बीजान अब आप भी इजाजत लेंगी। मुझे ये बताओ कि तुमने आते ही हुल्लड़ क्यों मचा दिया? आपने देखा उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं तो अपनी सारी मीटिंग्स छोड़ के अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर टिकट लेके फौरन पहुंच गया। अरे बेटा उन्होंने सिर्फ लड़के को देखा है, कोई बात भी नहीं की थी। और अगर तुम्हें किसी और से नहीं पता चलता तो वो तुम्हें बता भी देते। यही तो अफसोस की बात है, मुझे अपने घर की बात किसी और से पता चली, और वो भी मेहरमा। मैं ये नहीं होने दूंगा, पता नहीं कौन है कैसा लड़का है। एक बार ना मेहरमा से तुम खुद बात कर लो, वो अच्छी तरह तुम्हें समझा देगी कि क्या बात है। नहीं मैं उससे बात नहीं करूंगा। और बीजन प्लीज फिलहाल आप भी ये रहने दीजिए। क्या हो गया बेटा तुम्हें? अगर आप लोग कहें तो मैं एक बार ट्राई करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जोशांदा। जोशांदा बिल्कुल असली है। किसने भेजा है तुम्हें? ये तो नहीं पता कि अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा है या मुझे यहाँ भेजा है आपके इलाज के लिए। मैं चाहूंगी आप इसको दो तीन बार पिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? निकलो यहाँ से। वो तो मुश्किल है, जब तक आप इसको नहीं पियेंगे मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? नहीं, खराब तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे खौफनाक हालात में कभी कभी हो जाता है। चीज क्या हो तुम? थोड़ा टाइम दें, पता चल जाएगा। अब इसको फटाफट पी लें, वरना ये ठंडा शरबत हो जाएगा, फिर गर्म करके लाऊंगी कोई फायदा नहीं रहेगा। ले लें, ले लें, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। पीजिए। अल्लाह आपको नेक और सच्चा दामाद दे। मेहरमा बाजी की खुशियां देखना नसीब करे और उनकी बात सुनने समझने की तौफीक दे। आमीन। हो गया पानी आपा? हाँ हो गया, लेकिन तुम करने क्या जा रही हो? आप मुझे बताएं, आपके पास बाम है? हाँ है। तुम किन चक्करों में हो? वो मसूद भाई की नाक बंद पड़ी है, उनको भाग दूंगी। अरे अरे रुको रुको रुको, मसूद को सख्त नफरत है बाम से। तो क्या हुआ, दवाई किसको पसंद होती है, थोड़ी बहुत जबरदस्ती चलती है। ये उबलता हुआ पानी ना तुम्हारे सर के ऊपर देके मारेंगे वो। ये क्या सूप का ठेला लगाने जा रही हूँ? हाँ, तुम्हारे अब्बा को पिलाने जा रही हूँ, पियोगे? आपा, आई थिंक उसी पढ़ के फेंक दे। मुझे तो लगता है आज इससे जान छूटी जाएगी। चुप करो। लेटने की जरूरत नहीं है। तुम फिर आ गई? हाँ, बस एक आखिरी काम रह गया था, भाप देनी थी। ये मेरे कमरे में बाम क्यों लाई हो तुम? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम सुन रही थी, पागल हो गई हो क्या? सर लाइन आइए, सर लाइन। क्या सर ये मेरी बात? अरे रखा उधर, हटो ये। चले डूंगे डूंगे सांस लें। ओ ये डूंगे डूंगे क्या होता है? मुंह से सांस लें और नाक से बाहर निकालें, और मेरी बात साथ साथ अपने कान में डालें। लड़की को पसंद से शादी करने का हक अल्लाह रसूल दोनों ने दिया है, आप अपनी इकलौती बेटी की पसंद से क्यों इनकार कर रहे हैं? ओ मेरा सर तो छोड़ो तुम। तौबा, कितना गुना आपको मिलेगा, बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरा सांस रोककर मुझे कत्ल करना चाहती थी तुम? कल यही पानी की देखती हो बाम की बोतल लेके आऊंगी मैं। खबरदार। तो कल शाम की चाय पे बुला लूं हसन भाई को? अब ये हसन भाई कौन? डालूं तौलिए वापस सर पे। मुझे माफ कर दो और बुला लो उसे। नाक तो मेरी वाकई खुल गई। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? बाबा, आप बस एक दफा हसन से मिल लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे। मैं कभी नहीं मिलूंगा उससे। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ स्पॉइल करने नहीं दूंगा।
बाबा मेरी लाइफ क्यों स्पॉइल होगी? आप ही ने तो मुझे डॉक्टर बनाया है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। आप बस एक बार उससे मिल ले, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर मैं जो कहूंगा तुम वही करोगी, पक्का? बिल्कुल। ठीक है, बुलवाओ से। रियली? मिल लेते हैं उससे। आई लव यू बाबा। तुझे कब से फोन कर रही हूँ, तेरा नंबर बन जा रहा है। तुझे फिक्र भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ, तूने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। जा, तुझे बात नहीं करती। इब्राहिम, हेलो। बोलती रही। कई दिनों से तेरी आवाज नहीं सुनी। मेरी आवाज छोड़, तेरी आवाज को क्या हुआ? तू रो रहा है? चौधरी भी कभी रोते हैं। तो फिर? मौसम ऐसा है, काम हो गया। ख्याल रखा कर, कितनी बार कहा है, और तुझे वैसे मेरी बिल्कुल याद नहीं आती। बेवफा हो गया तू। तेरी याद के सिवा और कोई याद नहीं आती मुझे। शायरी करता है, छिछोर है। अच्छा सुन, मेहरमा की शादी के लिए मैंने गाना सोचा है। हेलो हसन, बाबा मान गए। व्हाट? हाँ, वो तुमसे कल मिलना चाहते हैं। दैट्स गुड। अच्छा सुनो, कल ना तुम ठीक से तैयार होके आ जाना। मैं हमेशा अच्छे तरीके से तैयार होता हूँ। मेरा मतलब था कि कल ना बहुत दिल से तैयार होना। मैं चाहती हूँ कि बाबा ना तुमसे फुल टाइम इम्प्रेस हो जाएं। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। सुनो। हाँ। वो अगर बाबा को ऐसा वैसा सवाल करे ना तो प्लीज बुरा मत मानना, उनका स्टाइल ही ऐसा है। डोंट वरी, इट्स ओके। और तुम कुछ कहना चाह रही हो? नहीं बस, तुम बस कल 3 बजे आ जाना, ठीक है? ओके। फिर मांग के ले आई है किसी से? मांग के नहीं लाई, ये देख, ये छोटे चौधरी ने दी है, ये मेरा सूट और ये तेरे लिए। मेरे लिए? किस लिए?
छोटी चौधरी की और नौरीन बीबी की बात पक्की हुई है ना, इसलिए। क्या बकवास कर रही है तू? हैं? इब्राहिम ऐसा नहीं कर सकता। इब्राहिम नौरीन बीबी से शादी नहीं कर सकता। जरूर तू बेजी से मिलकर साजिश कर रही है। अच्छा जा, फिर मैं नहीं करती साजिश। जा, दे दे 3 लाख रुपए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जाके बात करता हूं इब्राहिम से। ये ज्यादती ना सिर्फ इब्राहिम और नौरीन के साथ है, बल्कि ये जुल्म है मेरी बच्ची हीर के साथ। तेरी बच्ची, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरा इब्राहिम, तेरी नौरीन, तो मैं क्या हूं तेरी? हैं? मैं तेरी क्या लगती हूँ मुंशी रमजान? सारी जिंदगी अपने भाई और अपने माँ बाप को पालता रहा, फिर उनकी बच्ची को पाला, और मैं नौकरानी बनी रही तेरी भी और तेरी भतीजी की भी। क्या किया तूने मेरे लिए, बोल क्या किया? मेरे औलाद नहीं हुई ना, तो पूरा पूरा फायदा उठाया तूने भी और तेरे सारे खानदान ने भी। सारी हयाती जी हजूरी कराई है मुझसे, गुलामी कराई है। किसी ने गुलामी नहीं कराई, सब बहू बेटियां इसी तरह खिदमत करती हैं अपने सौरों की। देख, तू मेरी बात मान जा, करने दे जो छोटा चौधरी करता है। अगर तूने हीर की शादी पेजी से ना की ना, तो वो तेरी और मेरी बोटियां करके दरिया में डाल देगा, कसम खाई है उसने।
इब्राहिम बेटे, जो मैंने सुना है वो सच है? तूने हार मान ली? हार किधर मानी है चाचा? ताया जी की इज्जत मुझे मेरी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। छोटी पर कोई उंगली उठाए या बेहुदा इल्जामात लगाए, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? इब्राहिम, मुझे माफ कर दो चाचा। और वो हीर, उसका कुछ सोचा है तूने? संभल जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? इतना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए और तुम ऐसी शक्ल बनाए खड़ी हुई हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है वीजान। अरे भाई, किस बात की टेंशन हो रही है तुम्हें? बाबा ना उसे जरूर ऑकवर्ड फील करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं करेगा, बाप है तुम्हारा। आप तो हर चीज को इजी ले लेती हैं। वो मेरी वजह से ही उसे ऐसे सवाल करेंगे कि वो खुद ऑकवर्ड हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो चुप रहेगा, अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा? उसकी खामोशी से ही तो मुझे डर लगता है। मैं इसीलिए चाह रही थी कि वो यहां अकेला ना आए। और जब बाबा आप ही की बात सुनते हैं तो आप यहां क्यों खड़ी हैं? दादो वहां हैं और आप यहां मेरे पास खड़ी हैं। उसूलन तो दादो को यहां और आपको वहां बैठा होना चाहिए था। अब अकल की बात कर रही हूं। अच्छा अब आप जाए ना, बल्कि रुके मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ चल चल चल। सो यू आर अ डॉक्टर? जी। मैं समझ रहा था कि तुम अपनी फैमिली के साथ आओगे। मेरी फैमिली कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब? मतलब ये कि इसके वालदैन नहीं है। तो तुम किसी के पास रहते हो? जी मैं। अरे हमें इससे क्या लेना देना कि किसके साथ रहता है किसके साथ? मैं बात कर लूं। कुछ कह रहे थे तुम? जी मैं कह रहा था कि मैं अकेला रहता हूं। यानी तुम्हारी फैमिली में और कोई नहीं है? मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं दारुल अमान में पला बढ़ा हुआ। दारुल अमान? यानी यतीम खाना, राइट? जी। कितनी इनकम है तुम्हारी? हमें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना कमाता है। डॉक्टर है, ब्राइट फ्यूचर है उसका। किसका फ्यूचर ब्राइट है और किसका डार्क, ये फैसला मैं करूंगा। कितनी इनकम है तुम्हारी? अभी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो ही सर्जरी में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी तो अच्छा कमा लूंगा। ये घर देख रहे हो तुम? कितने का हुआ बोलो। बाबा इट्स नॉट अबाउट द मनी। अच्छा तो पूरे घर ने एका किया हुआ है। तुम्हें अगर दौलत की अहमियत का मालूम होता ना तो 2% के फोटोग्राफर नहीं होते तुम। प्लीज मुझे इनसे बात करने दे। क्या समझते हो तुम, मेरी बेटी को अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी हर चीज पर कब्जा कर लोगे तुम?
मसूद। आप सब लोग चुप रहे हैं। मैं अपनी बेटी के लिए जो बेहतर समझूंगा उसी को चूज करूंगा, यह हक है मेरा। मसूद, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। किस तरह निकलोगे मेरी बेटी की जिंदगी से? पैसे चाहिए? बोलो, जवाब दो। आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगी।